सुरक्षा सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। संसद में जो घटा उसके लिए स्पीकर लोकसभा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो उचित जांच कार्रवाई वो की जाएगी, जो सुरक्षा में और सुधार करना होगा वो भी किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के जो पार्टीज हैं उनके लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाएंगे। मुझे लगता है विपक्ष राजनीति करने की बजाय सदन को चलने दें, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वहां पर उठाएं। मैं इतना जरूर कहूंगा, विपक्ष हाल ही में हुए चुनावों में जो करारी हार हुई है, उसके बाद जो सदमे में था, अब केवल एक बहाना बनाकर सदन को रोकना चाहता है, कार्रवाई नहीं करना चाहता, बिलों पर चर्चा नहीं करना चाहता, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं फिर एक बार निवेदन करता हूं विपक्ष के नेताओं से कि आइए सदन को चलने दें, आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं। आपको किसी भी विषय पर चर्चा करनी सदन में चर्चा करें, आखिरकार सदन बना ही चर्चा करने के लिए है। और जहां तक श्रीमान राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, और विशेष तौर पर खड़गे जी से भी, कर्नाटक में जो 42 साल की महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, कानून व्यवस्था चरमरा गई वहां की, हर जगह तो कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां राजस्थान में 35,000 महिलाओं के साथ रेप और उनकी हत्या जैसी घटनाएं हुई, और सबसे ज्यादा घटनाएं राजस्थान में हुई थी, वहां तो कभी राहुल जी और प्रियंका जी नहीं पहुंचे, अब कर्नाटक में हुई है वहां भी नहीं पहुंचे। तो मैं पूछना चाहता हूं ये सिलेक्टिव क्यों है? क्या उनको उस बात पे खेद नहीं जो कर्नाटक में घटा है? क्या 42 वर्ष की उस महिला के साथ जो हुआ, क्या वो राहुल जी को सोनिया जी को स्वीकार है?